हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वुंड ट्रेसिंग के बारे में यह टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिगार्डिंग जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए है इससे रिगार्डिंग आपका आठ नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और ये टॉपिक है फर्स्ट एड में भी इंक्लूड हो सकता है तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इसके अंदर इसकी डेफिनेशन पर्पस इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे और सर्जिकल वुंड ड्रेसिंग इज अ प्रोटेक्शन विद अ स्टेराइल कवरिंग ऑफ गोस और अदर मटेरियल अप्लाइड ओवर अ वाउंड यानि कि स्टेराइल गोस और अदर जो मटेरियल्स होते हैं उसके थ्रू जो बना होता है उसको कवरिंग करना ठीक है एक स्टेराइल तरीके से कवरिंग करना ड्रेसिंग कहलाता है तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन इजी डेफिनेशन है नेक्स्ट वन है पर्पजेस इसके क्या क्या पर्पस है यानी कि उद्देश्य क्या है इसका एम क्या है ड्रेसिंग करने का तो फर्स्ट वन टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए सेकेंड वन टू प्रमोट हीलिंग जो वुंड बना हुआ है उसको जल्दी से हील कर सके नेक्स्ट थर्ड वन टू क्लीन द वडेड एरिया और जो वेड जो एरिया है ठीक है जहां पर जो घाव है उसको क्लीन करना तो इसके मेन तीन पर्पज़ हो गए ड्रेसिंग के नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग कितने प्रकार की ड्रेसिंग होती है तो फर्स्ट वन ड्राई ड्रेसिंग सेकेंड वन वेट ड्रेसिंग एंड थर्ड वन प्रेशर ड्रेसिंग तो तीन प्रकार के हमारे पास ड्रेसिंग होती है ठीक है ये हो गए इसके टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग नेक्स्ट अब बात करेंगे इक्विपमेंट नीडेड यानी कि ऐसे कौन से इक्विपमेंट हैं जिसकी ज़रूरत होती है सबसे पहले देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स जिसके अंदर आएगा सीजर्स थम फोरसेप्स एंड आर्टरी फोरसेप्स आर्टरी फोरसेप कर्व आर्टरी भी हो सकती है नेक्स्ट वन गोस पीसेस एंड कॉटन बॉल्स ठीक है गोश पीसेस आ जाएगी सारी नेक्स्ट वन लार्ज बॉल एंड स्मॉल बॉल नेक्स्ट ड्रेसिंग बैंडेज एंड लास्ट वन स्पीड बिटाडिन और अदर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन तो ये इक्विपमेंट हम लेंगे वो ड्रेसिंग के अंदर नेक्स्ट अब बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में तो फर्स्ट वन है हैंड वॉशिंग हम ड्रेसिंग करने से पहले क्या है हैंड वॉशिंग करेंगे नेक्स्ट वन रिमूव द ओल्ड ड्रेसिंग फ्रॉम द व के ऊपर जो पुरानी जो ड्रेसिंग लगी है उसको रिमूव करेंगे नेक्स्ट वन थर्ड वन टराइल स्लाइन और हाइड्रोजन परोक्साइड फॉर क्लीनिंग दवाओं वन को क्लीन करने के लिए हाइड्रोजन परोक्साइड एंड जो नॉर्मल स्लाइन होती है यूज करेंगे नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्लीन द वन सेंटर टू पेरीफेरल यानी कि सेंटर से पेरीफेरल यानी कि दूर की तरफ जाएंगे ठीक है साफ करते करते सेंटर पॉइंट से दूर की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वन फिफ्थ वन अप्लाई ऑइनमेंट एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर और जो भी अपॉइंटमेंट आपको अप्लाई करना है वो हम लगाएंगे नेक्स्ट लास्ट वन अप्लाई स्ट्राइल ड्रेसिंग एंड फास्ट एंड ईट विथ अ बैंडेज और स्ट्रिप ऑफ प्लास्टर ठीक है लास्ट में हम क्या करेंगे उसको कवर करेंगे किससे ड्रेसिंग के थ्रू बैंडेज के थ्रू तो ये सारा प्रोसीजर करते हैं हम ड्रेसिंग के अंदर तो आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया ड्रेसिंग के बारे में इसकी डेफिनेशन इसके परपज इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर के बारे में और साथ में इसके टाइप्स देखें ड्राई वेट एंड प्रेशर ड्रेसिंग यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहाँ से जाके आप देख सकते हैं एंड फर्स्ट एड से रिगार्डिंग जो भी वीडियो है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहां से जाके आप देख सकते हैं थैंक यू